हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे मैं कैसे और क्यों टेस्ट क्रिकेट का फैन बना। तो मैं 90s से हूँ, उस वक्त अभी की तरह इंटरनेशनल T20 क्रिकेट या IPL, BBL, T10 या अदर फ्रेंचाइज क्रिकेट नहीं थे और डेडिकेटेड क्रिकेट या स्पोर्ट्स चैनल भी बहुत लिमिटेड थे। हमारा केबल कनेक्शन नहीं था तो सारे क्रिकेट मैचेस DD नेशनल पे ही देखना पड़ता था। मैं स्कूल में था और जब भी ODI मैचेस रहते थे, इंडिया के होम सीरीज, मैं कुछ ना कुछ बहाना बना के स्कूल नहीं जाता था और मैच TV पे एंजॉय करता था। और अवे सीरीज के लिए रेडियो यूज करना पड़ता था, लेकिन जब टेस्ट मैचेस होते थे तो बोरिंग लगता था और कभी कभी वन साइडेड भी लगता था। लेकिन ये सब बदल गया और ये बदला हिस्टोरिक कोलकाता टेस्ट मैच किट। मुझे अभी भी डिटेल्स सब याद हैं क्योंकि उस टाइम मैं भी अपनी फैमिली के साथ कोलकाता में रहता था। मैच था 11 मार्च 2001 और स्टीव वॉ ने टॉस जीत के बैटिंग सिलेक्ट किया था। मैंने TV बंद करके बाहर खेलने चला गया था क्योंकि संडे था, और इवनिंग न्यूज़ में देखा तो हरभजन सिंह ने हैट्रिक लिया था पॉन्टिंग गिलक्रिस्ट एंड वर्नी का, और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 269/8। देन नेक्स्ट डे मंडे था तो एज यूजुअल स्कूल से वापस आके न्यूज़ देखा तो ऑस्ट्रेलिया ने 445 रन कर लिए थे और लास्ट 2 विकेट्स में 176 रन ऐड किया था। और सबसे शॉकिंग था कि इंडिया 128/8 था। तो अगेन नेक्स्ट 3 भी कुछ सिमिलर ही था, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था कि किसी को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इंडिया जीत सकती है या ड्रॉ भी हो सकता है। सो स्कूल चला गया था और वापस आके न्यूज़ देखा तो इंडियन टीम ने 171 रन्स पे ही ऑल आउट हो गए थे और ऑस्ट्रेलिया के पास लीड था 274 रन्स का, और स्टीव वॉ ने फॉलो ऑन एनफोर्स कर दिया था और इंडिया सेकेंड इनिंग्स में 252/4 थे। और उस वक्त मतलब डे 3 के एंड तक VVS लक्ष्मण 109 नॉट आउट एंड राहुल द्रविड 7 रन पे नॉट आउट थे। मैं राहुल द्रविड को जानता था और बहुत पसंद भी करता था, बट VVS लक्ष्मण उस टाइम के लिए मतलब आफ्टर दैट हिस्टोरिकल कोलकाता टेस्ट इंडियन टीम्स के न्यू सुपर हीरो बन के रहते। तो मैंने सोचा कि स्कूल में बीच बीच में जाके पड़ोस के जो घर रहते हैं वहाँ पे जाके स्कोर देखता रहूँगा। और नेक्स्ट डेट था 14 मार्च 2001। उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे सन भी मैच देखने के लिए अर्थ के पास आ गया था। इतना हॉट ह्यूमिडिटी और टफेस्ट ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक के सामने इट वॉज नॉट वेरी आइडियल सिचुएशन फॉर टेस्ट क्रिकेट। लेकिन द्रविड़ एंड लक्ष्मण को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, उन्होंने भीगे टावल्स के साथ गले में लगा के बैटिंग भी की थी उस टाइम पे, मुझे याद है। और अगर आप लोग गूगल में सर्च करोगे कोलकाता टेस्ट 2001 लक्ष्मण एंड द्रविड, यू कैन सी द इमेजेस इन गूगल इमेजेस ऑल्सो। उन्होंने पूरा दिन बैटिंग किया और टीम इंडिया का स्कोर 589/4 किया और लीड 315 रन्स का पहुंचा दिया। नेक्स्ट डे था डे 5 और 15 मार्च 2001 लक्ष्मण ने 281 रन्स किए, टोटल आउट हो गए थे उस वक्त, और ये उस टाइम का हाई स्कोर था बाई इंडियन बैट्समैन इन टेस्ट क्रिकेट। और द्रविड़ ने 180 रन किया था, लक्ष्मण एंड द्रविड़ का टोटल पार्टनरशिप था 376 रन, और इंडिया ने डिक्लेयर किया 657/7 और ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए चाहिए था 384 रन और उनके पास मिनिमम ओवर्स थे 75 ओवर्स। मैच इतना इंटरेस्टिंग हो गया था कि स्कूल्स के टीचर्स भी हमारे साथ मैच देख रहे थे ब्रेक में, और उसके बाद तो भज्जी और सचिन ने अपने स्पिन बॉलिंग के चक्कर में ही डाल दिया ऑस्ट्रेलियन टीम को और इंडिया को मिली एक हिस्टोरिक टेस्ट विन। ये सिर्फ थर्ड टाइम हुआ था कि कोई टीम फॉलो ऑन के बाद भी टेस्ट मैच जीता था, और उस दिन मुझे रियलाइज हुआ था कि सारे क्रिकेटर्स टेस्ट क्रिकेट को ही ट्रू क्रिकेट क्यों कहते हैं और टेस्ट क्रिकेट सबका फेवरेट क्यों है। वनडे क्रिकेट या T20 क्रिकेट में जब हार जाते हैं तो लक फैक्टर या पिच कंडीशन एक्सेट्रा एक्सक्यूजेस दे सकते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट तो 5 दिन का है और सबको 2 इनिंग्स मिलती हैं, बार बार बराबर मौका मिलता है कंडीशन के हिसाब से अडाप्ट करके खेलने के लिए। मुझे पता है ये स्टोरी थोड़ा लेंदी हो गया, लेकिन ये थी मेरी स्टोरी कि मैंने कैसे और क्यों टेस्ट क्रिकेट का फैन बना। हाँ, इसके और भी रीजन्स हैं, बहुत सारे रीजन्स हैं, धीरे धीरे ऐड होते रहे, लेकिन वो सब किसी अलग स्टोरी में।
अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और ये भी कमेंट करके बताएं कि आप कैसे और क्यों टेस्ट क्रिकेट के फैन बने। इंस्टाग्राम में हमें DM करें, हम आपकी स्टोरी को भी वीडियो की तरह हमारे YouTube चैनल में पोस्ट करेंगे। थैंक यू, कीप काम एंड कीप सपोर्टिंग टीम इंडिया एंड क्रिकेट।